चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ मैनेजिंग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि अमेज़ॉन जो हमें कमीशन चार्ज करता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया है हमारे मैनेज इन्वेंट्री सेक्शन पे जाकर हम वहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है, और यहाँ पर एक कॉलम आता है फी प्रीव्यू का। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस सेलिंग प्राइस पर बेचने के लिए अमेज़ॉन हमसे कितना कमीशन चार्ज करता है। अगर ये छोटा सा जो ड्रॉप डाउन है हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक टेबल हमारे सामने ओपन हो जाता है जो इस फीस का बाइफर्केशन हमारे सामने डिस्प्ले करता है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर ये प्रोडक्ट फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है तो यहाँ पर सारी फीस लिस्टेड होगी, इंक्लूडिंग रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और फुलफिलमेंट फैसिलिटी की जो फीस लगती है, जिसमें पैकेजिंग और कुरियर शिपिंग ये सारे जो चार्जेस हैं ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो इस फी प्रीव्यू में अगर ये प्रोडक्ट जो है ये अमेज़ॉन से फुलफिल्ड हो रहा है तो ये आपको कंप्लीट फी का बाइफर्केशन दे देगा। ये फी एस्टिमेट में सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है जो अमेज़ॉन चार्ज कर रहा है। और अगर ये फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है तो उसमें फुलफिलमेंट फीस हमें नहीं दिखेगी, हमें सिर्फ अमेज़ॉन रेफरल फ़ी, फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी और जो सर्विस टैक्स जो चार्ज हो रहा है और टेंटेटिवली फ़ी एस्टिमेट जो है वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इसमें ईजी शिप की जो शिपिंग चार्ज है वो, या फिर हमें जो सेल्फ शिप करने में जो चार्ज लगता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। सो इसके बेसिस पे हमें जो भी हमें हमारी प्राइस आ रही है जिसमें हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर अपडेट करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिवर्स कैलकुलेशन करके। मान लीजिए अगर एक प्रोडक्ट है जो हम सेल करना चाह रहे हैं 200 रुपीज़ पर, और इसके लिए जो हम शिपिंग चार्ज कर रहे हैं बायर्स से, हमारे शिपिंग सेटिंग्स में जो हम सेट करते हैं कि हम बायर्स से कितना चार्ज करना चाह रहे हैं, वो मान लीजिए पर आइटम हम 40 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो जो नेट अमाउंट अमेज़ॉन को मिलेगा बायर से वो होगा ₹240। अब इसमें से हमें माइनस करना है जो अमेज़ॉन फीस चार्ज कर रहा है वो, और अगर ये मर्चेंट फुलफिल्ड प्रोडक्ट है तो ईजी शिप या उसे कुरियर करने की जो फीस एप्लीकेबल होगी वो कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर डिडक्ट करना है। तो नेट हमें जो अमाउंट अमेज़ॉन से मिलेगा वो मिलेगा ₹140 हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब इसमें आपको आपकी वायबिलिटी चेक करनी है कि आपको जो GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और आपका जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का वो मिलाकर आपको प्रॉफिट कुछ रिमेनिंग हो रहा है या नहीं। तो इस प्राइस में से वो आप फर्दर वो कैलकुलेशन करके आपकी वायबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली अमेज़ॉन की जो फीस जो वो चार्ज करते हैं वो मेन होता है रेफरल फ़ी, जो हर कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन्स है तो 5% या क्लोदिंग है तो इसकी इसका जो एक कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर का चार्ट है वो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर प्रेजेंट है, हम इस लिंक के ज़रिए उसे चेक कर सकते हैं। ये हमेशा चेंज होता है इसलिए हमें रेगुलरली इसे चेक करना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है क्लोजिंग फीस, जो एक फिक्स अमाउंट अमेज़ॉन चार्ज करते हैं इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए, उसके भी कुछ पैरामीटर्स सेट होते हैं। अगर अमाउंट 250 से कम है तो 10 रुपीज़, उससे ज़्यादा है तो 20, 30, 40, ऐसे उसके चार्जेस डिफर करते हैं। और कैंसिलेशन चार्ज जो होता है 8.5% जो हमने ऑलरेडी देखा था, और अभी सर्विस टैक्स नहीं GST जो चार्ज होता है 18% के हिसाब से, तो वो ये सारे चार्जेस अमेज़ॉन हमको चार्ज करता है। एक बेसिक एग्जांपल देखें तो अगर मैं कोई बुक सेल कर रही हूँ तो एट 149 रुपीज़, तो उसका जो रेफरल फ़ी है कैटेगरी का बुक्स के सेक्शन का वो है 12%, तो इस अमाउंट पे मुझे 12% चार्ज होगा।
प्लस क्लोजिंग फ़ी चार्ज होगी, तो टोटल फ़ी अराउंड इतनी चार्ज हो रही है और इस पे GST जो चार्ज होगा वो अमाउंट। तो ये उनका बेसिक फ़ी कैलकुलेशन है। इसके अलावा अगर मर्चेंट फुलफिल्ड है तो इसमें शिपिंग अलग से ऐड होगा, और अगर अमेज़ॉन फुलफिल्ड है तो फुलफिलमेंट सेंटर की जो फ़ीस होती है वो इसमें एडिशनली ऐड होगी। हमें अगर टैबुलर फॉर्म में चेक करना है कि हमारा कितना कमीशन चार्ज हो रहा है, फुलफिलमेंट फ़ीस कितनी है, नॉन फुलफिलमेंट वाला प्रोडक्ट है तो उसमें कौन सी फ़ीस चार्ज हो रही है, तो हम इस लिंक पर भी जाकर चेक कर सकते हैं जिसे कहते हैं कितना मिलेगा। तो अमेज़ॉन के हेल्प पेज पर जाकर आप ये सर्च कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप आपके प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है कि हम हमारे बायर से कितना शिपिंग चार्ज कर सकते हैं। हम पार्टली या फुल अमाउंट चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, और जो फीस अमेज़ॉन डिडक्ट करते हैं उनकी रेफरल फ़ीस वगैरह वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे पे आउट से डिडक्ट हो जाता है, उसके लिए हमें सेपरेट पेमेंट नहीं करना पड़ता। और शिपिंग जो है मर्चेंट फुलफिल्ड अगर ऑर्डर है तो इसे वो सेपरेटली चार्ज करते हैं, जो हमें इजी शिप जब हम स्केड्यूल करते हैं तो वहाँ रिफ्लेक्ट करता है वो फ़ीस, और अगर सेल्फ शिप कर रहे हैं तो हमारे कुरियर पार्टनर जितना चार्ज कर रहे हैं वो हमें सेपरेट कैलकुलेशन करना रहेगा। नेक्स्ट है पेमेंट्स। अमेज़ॉन जो है ये पेमेंट्स आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एवरी वीक। फर्स्ट साइकिल जो आपकी होगी वो शायद 7 डेज से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपका नया अकाउंट अगर है तो, और एकदम से उसमें बहुत सारी सेल आ जाती है, तो अमेज़ॉन इस अकाउंट को अंडर रिव्यू रखते हैं फॉर सम टाइम। बट यूजुअली आपका जो पे आउट है वो आपको 7 से 15 डेज के अंदर मिल जाता है। सो मान लीजिए नॉर्मल केस में अगर आपने 500 का कोई प्रोडक्ट सेल किया है या ज़्यादा अमाउंट का सेल किया है जिसके लिए आपको 500 पे आउट आना है अमेज़ॉन से, तो अराउंड 300 रुपीज़ आपको फर्स्ट वीक की साइकिल में आ जाएगा, और रिमेनिंग जो 200 है वो अमेज़ॉन फर्स्ट वीक में एज रिज़र्व अपने पास रखेंगे, और नेक्स्ट साइकिल में आपको वो रिमेनिंग बैलेंस क्रेडिट करेंगे। इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स का टैब है हम उसे क्लिक करें, और वहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन होता है तो हम उसे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पेमेंट्स के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं और COD ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनके डिटेल्स अलग अलग मेंशन की जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में चेक करें तो स्टेटमेंट व्यू में वीक बाय वीक का परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट आ जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा बैलेंस कितना है और कितना हमें इस वीक पेमेंट आने वाला है, कितना अमाउंट अमेज़ॉन रिज़र्व रखा है अपने पास, तो एक स्नैपशॉट व्यू हमें यहाँ से पता चल जाता है। साथ ही अगर हम ट्रांजैक्शन व्यू पर क्लिक करें तो जो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वीकली बेसिस पे, या फिर हम पीरियड भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उस पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर दूसरे रिपोर्ट्स भी हैं जो हम गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोइंग ऑन हॉलीडे। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर सेल नहीं करना चाह रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इससे आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बायर को डिस्प्ले नहीं होंगे और आपको कोई सेल नहीं आएगी, तो कुछ पीरियड के लिए आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पर सेटिंग्स पे अकाउंट इन्फो पर क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा लेफ्ट साइड पे गोइंग ऑन हॉलीडेज। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो करंट स्टेटस एक्टिव है उसे आप डीएक्टिव पे सिलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर आपकी जो लिस्टिंग्स है वो अमेज़ॉन के अकाउंट पर इनएक्टिव हो जाएगी, और इसे आप दोबारा फिर से जब चाहे एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स।
इसे हम चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस के टैब पर जाकर अकाउंट हेल्थ। बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा अकाउंट है वो अमेज़ॉन के टारगेट्स के हिसाब से मेंटेन करें। इनकी जो हेल्थ टारगेट्स हैं इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट, लेट डिस्पैच रेट, कैंसिलेशन रेट, कस्टमर कंप्लेंट्स। सो बेसिकली अगर आप अच्छे सेलर हैं तो आपके जो टारगेट्स हैं ये हमेशा प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे। आप अगर रेगुलरली ऑर्डर शिप कर रहे हैं, आप जेन्युइन प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं जिसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही है, तो आपका अकाउंट हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा और आप रेगुलरली उसे इस डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं। अगर ये टारगेट ब्रीच होते हैं, ये मीट आउट नहीं होते हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है और आपको अमेज़ॉन पर दोबारा सेल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपके अकाउंट में कोई भी फीडबैक है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन में जाकर फीडबैक पे। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो भी आपको आए होंगे वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन। हम अगर यहाँ मैसेजेस पर क्लिक करें तो हम इस डैशबोर्ड पे आते हैं। ये यूजुअली हमारा जो ईमेल अकाउंट होता है ये उसी की तरह दिखता है। अगर हमारे कोई बायर्स हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई मैसेज आता है उनसे, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है जिसका हमें रिस्पॉन्ड करना रहेगा, जिस पर हमें रिप्लाई देना रहेगा। वो प्रोडक्ट के बारे में कोई इंक्वायरी भी हो सकती है या शिपिंग के बारे में कोई इंक्वायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशंस, जो हमें अमेज़ॉन की तरफ से आते हैं रिगार्डिंग अकाउंट हेल्थ में अगर कोई इशू है या लिस्टिंग में कोई इशू है या हमने ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट किया है, कोई भी अगर कंसर्न है तो वो उसका नोटिफिकेशन यहाँ जो फ्लैग का साइन है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है और इसका मेल भी आपके अकाउंट में आ जाता है और आपको अप्रोप्रिएटली उस पर एक्शन लेना होता है। नेक्स्ट होता है सेलर यूनिवर्सिटी। यहीं पे परफॉर्मेंस में लास्ट ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें सेलर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम बहुत सारे गाइडबुक मिलेगी अमेज़ॉन पर बेहतर सेल करने के लिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है डिटेल्स में विथ वीडियोस और डेमोन्स्ट्रेशंस, तो हम इसे रिफ़र कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी सेलिंग। थैंक यू।